खोराबार के जांगीपार में बुधवार की रात करीब 9:30 बजे विसर्जन के दौरान हुए विवाद में मनबड़ों ने एक बर्तन व्यापारी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। युवक की मौत के बाद जिला अस्पताल पर हंगामा कर रहे परिजनों को कोतवाली पुलिस ने शांत कराया। डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित करने के बाद भी परिवार वाले शहर के एक निजी हॉस्पिटल में ले गए। हालांकि बाद में शव को मोर्चरी में रखवाया गया। बेलीपार के महावीर छपरा निवासी राजकिशोर वर्मा का बेटा 22 वर्षीय विक्की वर्मा खोराबार के जांगीपार में रहता था। पिता पुत्र बर्तन का कारोबार करते थे। जांगीपार में लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। बुधवार की रात में नाचते गाते गाजे बाजे के साथ लोग प्रतिमा विसर्जन के लिए राप्ती नदी की तरफ ले जा रहे थे। घर वालों के मुताबिक विक्की वर्मा बंधे की तरफ टहलने गया था। विसर्जन में जा रहे कुछ मनबड़ युवकों से किसी बात को लेकर विक्की से विवाद हो गया, जिसके बाद मनबड़ों ने चाकू से उसे गोद दिया और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। घायल विक्की को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विक्की के शरीर पर चाकू के कई वार किए गए थे। फिलहाल मृत घोषित कर जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने शव को मोर्चरी में रखने की कोशिश की, तो साथ आए लोग हंगामा करने लगे। वह जबरिया उसे लेकर जा रहे थे। डॉक्टरों ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने के बाद भी साथ आए लोग जिंदा होने की बात कहते हुए विक्की के शव को शहर के एक नर्सिंग होम में ले गए। हालांकि बाद में मोर्चरी में रखवाया गया, जिसके संबंध में एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि खोराबार थाना के अंतर्गत डांगीपार एक व्यक्ति विक्की वर्मा को अज्ञात लोगों के द्वारा मारपीट की गई तथा चाकू मारकर हत्या की गई। हत्या की वजह सामने नहीं आई है। सीसीटीवी एवं सर्विलांस के आधार पर पता किया जा रहा है, जिसमें 3 टीमें गठित की गई हैं। सर्विलांस एसओजी थाना रामगढ़ताल एवं थाना खोराबार के सहयोग से इस घटना का जल्द से जल्द अनावरण किया जाएगा तथा जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मृतक के भाई व ग्रामीण विधायक विपिन सिंह और एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, अभी कुछ हो जी हत्या हुआ सर। विक्की कुमार मेरे भाई। क्या वजह थी हत्या की? कोई वजह नहीं थी, वैसे वो गया था। उसके बाद उसको पता चला कि
चाकू से मार के हत्या कर दिया गया। कहां गए थे? विसर्जन कर रहे विसर्जन थाना कल की घटना है ये कल 8:30-9 के बीच में। कौन कौन लोग शामिल थे इसमें ये तो नहीं पता है, लेकिन एक आदमी का पता है माखन निषाद। और बाकी कितने लोग थे? बाकी लमसम 5-7-10 लोग और थे। तो आपने लिखित किसकी शिकायत की है थाने पे? जी, दो लोग को किया गया है, अभी कोई ना उसकी गिरफ्तारी हुई है ना कुछ हुआ है। आप लोग खाली आश्वासन दे रही है कि 2 घंटे में पकड़ी जाएगी, 3 घंटे में पकड़ी जाएगी, 4 घंटे में। हमारी डेड बॉडी तभी जाएगी जब तक वो लोग पकड़े नहीं जाएंगे। कितना देर हो गया अभी तक? ये 20 घंटे हो गए। अभी तक कोई पकड़ा गया या नहीं? अभी कोई नहीं, किसी को पकड़ाया गया तो उसको छोड़वा दिया गया। क्या चाहते हैं? हमको इंसाफ चाहिए। आपका क्या नाम है? सिकंदर वर्मा। कौन सा थाना क्षेत्र का मामला है? थोराबाद थाना। घटना कहाँ हुई थी? डांगी पर ढाले पे। डांगी पर ढाले पे। क्या वहाँ शराब वराब पी जाती है? जी, पी नहीं रहे थे, उधर गए थे वो विसर्जन करके आ रहे थे वो। अच्छा, वहाँ क्या शराब वराब पीते हैं? हाँ, उधर शराब की दुकान है, वो भी डुहिया की शराब की दुकान है, डांगी पर में खुला है, वो भी गलत है। वो उसको भी शिकायत हम कर चुके हैं कि उसको खुलना चाहिए डुहिया ढाले पे, तो वो खुल रहा है डांगी पर ढाले पे। वो गलत है कि नहीं गलत है? स्कूल है, लड़कियां बच्ची सब पढ़ रही है। विधायक जी ने खाली आश्वासन दे रहे थे बॉडी जलाइए, बॉडी जलाइए, बॉडी आएगा चल जाएगा। कार्रवाई चल रही है, ये अभी आपको हो सकता है 24 घंटे में ही आ जाए। तो भगे हुए हैं उसमें से, अभी तो तीन नाम भी लिया जा रहा है, लेकिन और भी उसमें लोग इन बक्सा नहीं जा रहा है, हमको जाया जा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो मिट्टी है एक तरह से, और हम लोग पहले दाह संस्कार कर लें, फिर आगे प्रशासन का सहयोग करें, प्रशासन उस पर जब बहुत जल्दी कार्रवाई कर पूरी टीम लगी, 5 टीमें पूरी प्रशासन की काम कर रही हैं, और जिले के आधार पर मुख्यमंत्री जी का जिला इस तरह मुख्यमंत्री जी की ऊपर वंचित वाली तो अलग विषय है, विसर्जन गोरखपुर के थाना खोराबार के अंतर्गत डांगी पार गांव में कल शाम को एक व्यक्ति विक्की वर्मा, जो कि शराब की दुकान के बाहर खड़ा था, उसके साथ 4-5 अन्य अज्ञात लोगों द्वारा मारपीट की गई एवं कुछ जगह पर चाकू लगने से उसकी उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित किया गया है। जो अभियुक्त हैं उनका CCTV के आधार पर एवं सर्विलांस के आधार पर पता करवाया जा रहा है। पता रसी सुराग्रसी के माध्यम से भी इसमें 3 टीमें गठित की गई है, SOG सर्विलांस की टीम एवं थाना रामगढ़ताल एवं थाना खोराबार, सब लोग लगे हैं। इस घटना का शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। थैंक यू।